अगली खबर मथुरा से है, जहां विशेष लोक अदालत में 119 वादों का निस्तारण करना बताया जा रहा है। आज शनिवार को धारा 138 NI एक्ट के अधिकतम वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा आशीष गर्ग की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय मथुरा में किया गया। इस विशेष लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश द्वारा केंद्रीकृत जनपद न्यायालय मथुरा में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर अपर जिला जज मनोज कुमार मिश्रा, अभिषेक पांडे, संजय चौधरी, रामराज, नितिन पांडे, पूनम पाठक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अपर जिला जज नीरू शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्सव गौरव राज, सिविल जज रुचि तिवारी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनिका वर्मा, पीठासीन अधिकारी, अतिरिक्त न्यायालय लाल बहादुर सहित समस्त न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, पराविधिक स्वयंसेवक, पक्षकार आदि उपस्थित रहे। इस विशेष लोक अदालत में धारा 138 NI एक्ट से संबंधित 1234 वाद निस्तारण हेतु नियत किए गए, जिनमें 119 वादों का निस्तारण कर मुआवजा 4,36,54,601 रुपए की धनराशि पीड़ित पक्षकार को भुगतान किए जाने के आदेश पारित किए गए। लोक अदालत में आपकी क्या प्राथमिकता रही? आज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यूपी के निर्देशानुसार 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के संबंध में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है। भारी संख्या में आज जो है हमारे आदरणीय न्यायिक अधिकारीगण द्वारा मामलों को चिन्हित किया गया है, ताकि छोटे ही कम ही समय में जो है काफ़ी सारे मामलों का जो है कोर्ट के बाहर ही निस्तारण हो सके, लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण हो सके। इसमें किस तरह के बात रखी जाती है? 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से संबंधित जो 138 जो है चेक बाउंस के जो मामले होते हैं उनका निपटारा होगा। लगभग कितना लक्ष्य आपने रखा है यहाँ पर? जो है हमारे द्वारा 1038 मामलों को जो है न्यायिक अधिकारी द्वारा जो चिन्हित किया गया है। विशेष कितने पद रखे गए इसमें? 1038 मामले। विशेष लोक अदालत इसलिए है क्योंकि वैसे तो जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार इस वर्ष या हर वर्ष जो है 4 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिनके लिए समय समय पर विशेष लोक अदालत का भी आयोजन किया जाता है, उसी में से 138 ऐसे मामले हैं। क्योंकि इन केसेस में चांसेस हैं कि पार्टीज का जो है सुलह समझौते के बेसिस पर भी जो है समझौता होकर भी मामलों का निपटारा हो सके, इसलिए इनके लिए जो विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। क्योंकि आप सबको पता है, हमें पता है कि ऐसे मैटर जो भारी मात्रा में कोर्ट्स के सामने जो है कोर्ट्स में जो है पेंडिंग है, ताकि लोगों को ज़्यादा देर तक वेट ना करना पड़े और उनका त्वरित उनको जो है न्याय मिल सके या समझौता हो सके या जो मामलों का निपटारा निस्तारण हो सके, इसलिए जो है 138 से संबंधित विशेष लोक अदालत 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की लोक अदालत माननीय उच्च न्यायालय और राज्य सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से आयोजित किया गया है। और सामान्य तौर पे 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले जो हैं ज़्यादातर व्यापारियों से संबंधित होते हैं, तो मैं आज इस माध्यम से सबसे उनसे निवेदन ये करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि इस मौके का वो लोग फ़ायदा उठाएं और आपस में बातचीत करके दोनों पक्ष ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों को सुलझाने का प्रयास करें। और मैं इसके द्वारा ये भी सूचित करना चाहता हूँ कि 9 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का भी आयोजन किया जा रहा है,
और उसमें भी इस तरीके के मुकदमों के अलावा और भी तरीके के मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा, उनको चिन्हित किया जा रहा है। तो जो भी लोगों के मुकदमे इस तरीके से लंबित हैं और वो चाहते हैं कि आपस में बातचीत करके उनको निपटा दिया जाए, तो वो संबंधित न्यायालयों में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। और कुछ उन्हें किसी चीज़ की मदद की आवश्यकता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में हमारी सचिव जो हैं उनसे वो इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।